इटावा लोकसभा सीट की गिनती बीआईपी सीटों में होती है। लंबे अरसे तक सपा का गढ़ कही जाने वाली सीट पर 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने कब्जा किया था, जो कि अभी तक बरकरार है। इस बार भी बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। मुकाबला पहले ही दिलचस्प था, मगर अब इसमें एक और ट्विस्ट आ गया है। दरअसल अब उनकी पत्नी मृदुला कठारिया ही उनके खिलाफ चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। उन्होंने बुधवार को इटावा लोकसभा से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मृदुला कठारिया ने कहा कि देश में जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र है, यहाँ सभी लोग स्वतंत्र हैं, यहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है, हम अपने पति के खिलाफ और वो मेरे खिलाफ खड़े हैं, ये तो चुनाव है, यहाँ लड़ने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। बता दें कि 2019 में मृदुला कठारिया ने अपने पति के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में नाम वापस ले लिया था। वहीं जब इस बारे में मृदुला कठारिया से पूछा गया कि इस बार तो नामांकन वापस नहीं लेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि नामांकन वापस लेने के लिए थोड़ी ही चुनाव लड़ रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। निर्दलीय नामांकन किया हम लोगों ने जी, पिछली बार भी आपने नामांकन किया था लेकिन वापस ले लिया, क्या इस बार वापस लेंगे या नहीं? वापस लेने के लिए थोड़ी नामांकन करते हैं, चुनाव लड़ेंगे। तो आप कठारिया को क्या बोल सकता हो भाई? तो अच्छा, हम महिलाएं, आप इसलिए बात कर रहे हैं? ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और यहाँ सभी स्वतंत्र है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और महिलाओं के लिए अगर आप ऐसी बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? साथ लगना चाहिए प्रजातंत्र। तो इसका मतलब आप उनके साथ नहीं? नहीं, उनके साथ नहीं, अपना चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अरे जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब क्या है ये, इसमें क्या है? आप उनके खिलाफ या वो मेरे विरोध में, इससे क्या है? चुनाव लड़ रहे हैं बस, अलावा आप इसको आप कुछ भी मानिए, चुनाव तो चुनाव लड़ेंगे, स्वतंत्र तो सभी है। बताते चले कि 2014 और 2019 के बाद अब बीजेपी की नजर हैट्रिक पर है। दरअसल साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सीट पर जीत दर्ज की थी, इससे पहले इस पर सपा का कब्जा था। 2014 के चुनाव में अशोक दोहरे सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी ने रामशंकर कठारिया को टिकट दी और उन्होंने जीत दर्ज की। इस बार भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं इटावा निर्वाचन क्षेत्र में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल है। इटावा लोकसभा सीट में इटावा, भरथना, औरिया, दिबियापुर और सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। बता दें इटावा संसदीय सीट दलित वोटर्स बहुल्य क्षेत्र है, जिनकी संख्या 4.5 लाख से ज्यादा है। इसके बाद करीब 3 लाख वोटर ब्राह्मण हैं, 1.25 लाख के आसपास क्षत्रिय मतदाता हैं। बात करें ओबीसी की तो लोधी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद यादव, शाक्य और पाल वोटर्स का नंबर आता है। वहीं 1 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं।